यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस, यहाँ पे ये 3 प्लस 4 यानी 10 टू द पावर 7। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं अर्ग, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आया 7 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोग गौर करिएगा कि यहाँ पे जब 7 जूल था, ठीक है, तो यहाँ पे 7 इंटू 10 टू द पावर 7 आया, इसका मतलब जो जूल, सॉरी, जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन है वो कितना है, 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। चलिए ये पहला एप्लीकेशन का था। अब है दूसरा एप्लीकेशन था, टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरडिपेंडेंट फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ योर सिस्टम। क्वेश्चन है, एक नंबर, द सेंट्रीपेटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एक्सक्यूटिंग इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक कोई पार्टिकल है, ठीक है, हम लोग सर्कुलर मोशन में देख चुके थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, तो एक सेंट्रीपेटल फोर्स जो रोल करता है या सेंट्रीपेटल फोर्स जो अप्लाई होता है वो सेंटर की ओर से अप्लाई होता है, ठीक है। एक सपोज करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट पोजिशन है इसका, ठीक है, ये इस डायरेक्शन मूव करता है, ये हम लोग जानते हैं आर होता है, ये सेंटर होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका एक मास होगा, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है श्योर इसका एक मास होगा, उसका मास एम मैंने माना, इसका लीनियर वेलोसिटी यानी दैट मींस ये जो वेलोसिटी यहाँ पे होगा इसको भी कंसीडर किया गया है, ठीक है। मोशन डिपेंड्स अपॉन द मास, मास लीनियर स्पीड भी ऑफ द पार्टिकल एंड द रेडियस आर ऑफ द सर्कुलर पार्ट, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपेटल फोर्स फ्रॉम डायमेंशन फॉर्मूला। अब हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स का जो इक्वेशन हम लोग जानते थे वो हमने जो सेंट्रीपेटल फोर्स जब पढ़ा था तब वहां पे डिराइव किया था, अब वही डेरिवेशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू से, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहता है एक सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, सेंट्रीपेटल फोर्स काम कर रहा है कोई पार्टिकल पे जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उस ऑब्जेक्ट का मास एम है, लीनियर स्पीड भी है एंड उसका जो रेडियस आर है, ठीक है। अब ये जो जो एफ जो है डिपेंड करेगा क्या कहते हैं वो सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले वो डिपेंड करेगा एम के ऊपर, एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, दूसरा वेलोसिटी के ऊपर कि उस ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और थर्ड कि उस ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, तीन चीजों के पर और डिपेंडेंट है, डिपेंड है। तो अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, उस प्रोसेस को आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो फोर्स है सेंट्रीपेटल फोर्स वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, एम दैट मीन्स मास ऑफ द बॉडी, ए ये जो ए जो हमने यहाँ पे लिखा है ये ए क्या इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मास, कितना मास होगा उसका, मास का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें ए बताएगा, एम एम टू एम हो मतलब एम इंटू एम अगर हो जाएगा तो टू एम हो जाएगा, मतलब एम टू टू पावर एम टू एम एम के पावर में स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बताएगा कि एम कितना है। जब एक कांस्टेंट होता है, जब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो दो को कांस्टेंट रहना होगा तभी एक के साथ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, एक साथ में तीन चीजों के साथ वह डिपेंड नहीं होगा, जब एक पिक के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दो कांस्टेंट रहना होगा, तो ये वी एंड आर आर कांस्टेंट। दूसरा कंडीशन है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट का जो लीनियर वेलोसिटी है यानी इस डायरेक्शन में है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो श्योर है जब एक के साथ प्रोपोर्शनल दो कांस्टेंट। तीसरा है जो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये आर है हमारा। फिर वही बी इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना भी है, हाउ मेनी भी, और आर भी वही इंडिकेट करता है व्हेन एम एंड भी आर कांस्टेंट, ठीक है।
अगला है देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन, ज्वाइंट वेरिएशन सबको एक साथ मिलाने पर, ठीक है, तो जब एक साथ मिलाते हैं तो हमारे पास एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबको एक साथ लिखते हैं, व्हेन एम वी एन आर आर वेरिएबल, ये तीनों वेरिएबल हो तो एफ इक्वल टू, जब जैसे ही ये कॉन्स्टेंट अल्फा ये हटता है, एक कॉन्स्टेंट आता है के, ठीक है, एफ इज इक्वल टू के एम ए एम बी वी बी एंड आर टू पावर सी, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन माना, जहां पे क्या के क्या है, फिर के इज नॉन डायमेंशनल प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द डायमेंशनल होमोजेनिटी, अब डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो प्रिंसिपल क्या कहता है, ये जो आया है एफ इक्वल टू हमारा इक्वेशन नंबर वन, एफ इक्वल टू के एम टू द पावर ए वी टू द पावर बी एंड आर टू द पावर सी, तो ये दोनों का डायमेंशन आपस में इक्वल होगा, ठीक है, दोनों का डायमेंशन आपस में इक्वल होगा। अब राइट साइड मैंने लिखा फोर्स का डायमेंशन, फोर के कॉन्स्टेंट है जिसका डायमेंशन हम लोग नहीं लिख सकते हैं, के का डायमेंशन नहीं होगा, एम मास है तो मास का डायमेंशन एम होगा, एम टू दावर ए, भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टू दावर एल टू दावर माइनस वन, अब इसके होल में पावर है बी, तो बी मैंने लिख दिया, आर क्या है, आर इज रेडियस, रेडियस दैट मीन्स वो क्या है, रेडियस दैट मीन्स इज रेडियस लेंथ का हम लोग जानते हैं डायमेंशन एल, एल टू दावर सी, यहाँ पे बगल में लिखा हुआ भी के हैज नो डायमेंशन। अब है दोनों को इसके साथ कैलकुलेशन कर लिया, एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी प्लस सी, जब ये बी एल के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे सी था तो एल टू द पावर बी प्लस सी एंड टी टू द पावर माइनस बी। अब है नाउ इक्वेटिंग द पावर ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के पावर को इक्वेट करते हैं, जब यहाँ पे इक्वेट हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए एम टू द पावर यहाँ पे ए है, एम टू द पावर यहाँ पे ए और यहाँ पे एम टू द पावर वन, बेस जब समान हो तो पावर भी समान होता है, तो क्या ए इक्वल टू वन, देखिए ए इक्वल टू वन, दूसरा है बी प्लस सी इक्वल टू वन, आप जरा यहाँ पे गौर करिए, तो ये जो है बी प्लस सी इक्वल टू एल टू द पावर यहाँ बी प्लस सी, दैट मीन्स बी प्लस सी इक्वल टू वन, और यहाँ पे टी के पावर माइनस बी तो माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, तो बोथ साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए का वैल्यू वन, बी प्लस सी इक्वल टू वन एंड माइनस बी इक्वल टू टू। अब यहां से हम इस इक्वेशन में अगर बी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, अगर बी का वैल्यू टू आया हमारे पास और इस बी के वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो मतलब यहाँ पे सी इक्वल टू भी हमारे पास वन वैल्यू आ जाएगा, तो इक्वल टू सॉरी माइनस वन आएगा, इक्वल टू माइनस वन, सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू एंड सी इक्वल टू वन। अब जो इक्वेशन नंबर वन था हमारा, इक्वेशन नंबर वन यही था हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या था, एफ एफ इक्वल टू के एम टू द पावर ए वी टू द पावर बी एंड आर टू द पावर सी, यही था हमारा इक्वेशन नंबर वन। अब ये जब ये तीनों का वैल्यू ए बी और सी का वैल्यू जब रखें, ए का वैल्यू आया हमारे पास वन तो वन रखा, बी का वैल्यू आया सॉरी बी का वैल्यू आया टू तो टू रखा, और आर का वैल्यू आया माइनस वन तो माइनस वन रखा। अब जब इस सारे वैल्यू को पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया एफ इक्वल टू के एम, के तो कॉन्स्टेंट है, एम वी स्क्वायर और आर टू द पावर माइनस वन, दैट मीन्स वो नीचे होता है, और याद कीजिए यही इक्वेशन होता है, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, एफ इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो एक रिलेशन हम लोग किसी भी जो डेरिवेशन का एक था, तो हम लोग एक डेरिवेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन को अप्लाई करके हम लोग एक रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है ये, कि कहीं डाउट है तो बोलिए, इसी के बेसिस पे मैं आप लोगों के एक प्रॉब्लम रखता हूँ, आप लोगों को उसका फाइंड करना है। सर फिजिकल पैरामीटर मतलब, फिजिकल पैरामीटर, ठीक है, देखिए देखिए सबसे पहले पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर जब मतलब पैरामीटर होता है जिससे हम किसी चीज को मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, चाहे उसका मैग्नीट्यूड हो चाहे उसका डायमेंशन हो, जिस जिस पैरामीटर्स में हो हम उसको मेजर करते हैं, तो वही एक पैरामीटर हो गया। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स जो एक फोर्स है, ठीक है,
ठीक है, इस फोर्स को हम लोग मेजर करने के लिए कुछ तो यूज करते हैं, या तो वो कोई भी पैरामीटर्स में हो, पैरामीटर्स का मतलब सीजीएस सिस्टम हो, चाहे वो एसआई सिस्टम हो, उसके बाद या जो भी कोई सिस्टम यूज करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में इसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, यूनिट को पैरामीटर मतलब, हाँ हाँ, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग उसको करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से उसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अगला है, अच्छा बाकी ये प्रोसेस समझ में आया तो? हाँ सर। देखिए एक बार मैं फिर से जाता हूँ, कुछ सबसे पहले क्या करना है, जो दिया हुआ रहेगा उसको तीन बार, तीन अगर दिया हुआ रहेगा, चार दिया हुआ रहेगा, पांच दिया हुआ रहेगा, ठीक है, सारे वेरिएबल के साथ हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, एक के साथ प्रोपोर्शनल जब होगा, अगला दो या अगला तीन भी रहेगा तो वो कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि एक बार में एक ही के साथ वो कॉन्स्टेंट रह सकता है। ठीक है, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक के साथ ही हो सकता है वो। ठीक है, दूसरा है, जब हम दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ज्वाइनिंग वेरिएशन लगाएंगे, ज्वाइनिंग वेरिएशन लगाने के बाद एक इक्वेशन नंबर वन ले आएंगे, उसके बाद जो फोर्स होगा और जो ज्वाइनिंग वेरिएशन होगा वो दोनों साइड दोनों का हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन लिखने के बाद पावर को इक्वेट करेंगे, पावर का इक्वेट करके ए बी सी तीनों का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, जब हमारे पास तीनों का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को, तब फिर वही वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मे बी एक्सपेंड अपॉन द मास, सॉरी मे बी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉल, द इफेक्टिव लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब यहाँ पे, वहां पे हमने निकाला था इसका डायमेंशन, हम लोग निकाले थे इसका क्या बोलते हैं फोर्स का। ठीक है, फोर्स इज डिपेंडेड था तीन चीजों के ऊपर, बट यहाँ पे टाइम पीरियड जो है हमारा वो टी है, टी डिपेंडेड है वो तीन चीजों के ऊपर, किस चीज के ऊपर है, मास के ऊपर, मास ऑफ द बॉब पेंडुलम का जो मास होता है वो, उसका इफेक्टिव लेंथ, उसका जो लंबाई है उस मतलब धागे की लंबाई है उसके ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीन चीजों के ऊपर ये डिपेंडेंट है। जब ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड है तो फिर हमें एक्सप्रेशन निकालना है टाइम पीरियड टी के लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं, वो लिखेंगे व्हेन टी स्टैटिकली प्रोपोर्शनल टू एम व्हेयर एल एंड जी आर कांस्टेंट, दूसरा लिखेंगे व्हेन टी इक्वल टी स्टैटिकली प्रोपोर्शनल टू एल एम एंड जी आर कांस्टेंट, सेम प्रोसेस अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन करना है। और आप लोग इसका सॉल्यूशन बताइए मुझे क्या होगा, अगर कोई ए बी सी का वैल्यू निकाल चुके हैं तो एक बार बता दीजिएगा कि ए बी और सी तीनों का वैल्यू क्या क्या आया। और तो सबसे पहले करना क्या है हम लोगों को, प्रोसेस वही रहेगा, A is sorry, T is directly proportional to, T is directly proportional to पहला है मास M, M to the power क्या लिखना है हम लोगों को, A, ठीक है, और फिर मतलब क्या रहेगा, L and G constant रहेगा, L and G constant रहेगा, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं लैंग्वेज, ठीक है, दूसरा है टी इज डायरेक्ट, हाँ मेरा आंसर आ गया सर, नहीं आंसर, ए का जीरो, बी का जीरो और सी का वन, हाँ सर, नहीं नहीं हुआ है, नहीं सर नहीं हुआ है आंसर, मैं बताता हूँ, रुक जाइए देख लीजिए, ठीक है, ओके सर, ओके, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दूसरा क्या होगा, एल, एल टू द पावर हम क्या लिखेंगे, बी, और तीसरा था हमारा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, पूरा मैं नहीं लिखता हूं, ठीक होगा, जब हम लोग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएशन तो क्या होगा हमारा, T is proportional to m to the power a, दूसरा था a to the power b and g to the power c, नेक्स्ट क्या करेंगे, T equal to यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट को हम k ही लिखेंगे,
डायमेंशनल कांस्टेंट है के, अब m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब क्या अकॉर्डिंग टू फेयर यहाँ पे फेयर लिखना है के क्या है, फेयर के जो है आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी। अब डायमेंशन ऑफ टी, तो टी का डायमेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, एम टू द पावर जीरो एल टू द पावर जीरो एंड यहाँ पे टी टू द पावर वन, या फिर एम एल हम लोग सिर्फ लिखेंगे टी का जो टी टाइम है तो टी का डायमेंशन ये यहाँ पे पावर वन होगा इक्वल टू, के का तो डायमेंशन नहीं होगा, m का डायमेंशन हम लिखेंगे यहाँ पे, m का डायमेंशन हमारा हो जाएगा ये m मास है, मास का डायमेंशन हम लोग जानते हैं m ही होता है, m टू द पावर a। अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यानी g का जो डायमेंशन होता है हम लोग जानते हैं ये होता है इक्वल टू l t टू द पावर माइनस टू, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, चलिए एक बार मैं लिख लेता हूँ, ये L का डायमेंशन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा L L टू द पावर b एंड ये ब्रैकेट में करना होगा ये L T टू द पावर माइनस टू टू होल टू द पावर ये c हो जाएगा। अब यहां से हम पावर को जब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द पावर बोथ साइड वी गेट a का वैल्यू हमें आ जाएगा जीरो, ठीक है, ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा जीरो। अब यहां पे देखिए ये जो एल यहां भी है और देखिए एक एल यहां भी है और एल यहां भी, यहां पे जब इस पावर इसके अंदर आएगा तो एल बी प्लस सी हो जाएगा यानी एल टू द पावर बी प्लस सी, यानी हम कह सकते हैं बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे t टू दी पावर हो जा रहा है 2c माइनस 2c, t टू दी पावर माइनस 2c, तो 2c यहाँ पे हो जाएगा t टू दी पावर 2c इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2c इक्वल टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस सिर्फ 1, विच इंप्लॉयज हम यहाँ पे लिख सकते हैं c इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ठीक है, c इक्वल टू माइनस वन बाई टू यानी हाफ आ गया। अब यहां से ये यहाँ पे हमको अब चाहिए एक b का वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हम रखे इस इक्वेशन में अगर हम b का वैल्यू पुट करें यहाँ पे b प्लस c इक्वल टू जीरो है, ठीक है, यानी b प्लस c इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे c का वैल्यू अगर मैं c को ऐसे लिख सकता हूँ इधर b इक्वल टू इधर ले माइनस c और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो यहाँ पे हमको b का वैल्यू मिल जाएगा 1 बाई टू, ठीक है, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1 बाई टू एंड c का वैल्यू माइनस 1 बाई टू, ये तीन आया हमारा a b एंड c का वैल्यू। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है, अब इस c को हम लोग इक्वेशन नंबर वन में हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा ये तो k रहेगा ही रहेगा। अच्छा यहाँ पे m m टू द पावर जीरो यहाँ पे वैल्यू 1 है तो m टू द पावर जीरो दैट मींस ये मास खत्म, मास तो होगा नहीं, l के पावर में b है यानी हाफ रूट अंडर, और देखिए g के भी पावर में c है यानी ये भी रूट के अंदर होगा क्योंकि ये माइनस हाफ है, माइनस हाफ है दैट मींस वो नीचे होगा, तो हम लोग उसके लिख देते हैं ये ऊपर में l हो जाएगा ये माइनस हाफ है दैट मींस ये नीचे हो जाएगा l बाई जी, तो ये हम कह सकते हैं ये टाइम पीरियड t इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन आ गया t इक्वल टू के रूट अंडर एल बाई जी, रूट अंडर एल बाई जी, तो हमारा इक्वेशन ये आया सर। बोलिए सर, लास्ट में समझ में नहीं आया किस जगह पे, तो जो फॉर्मूला सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सर फिर से बताइएगा सर वहां से। अच्छा इक्वेशन नंबर वन तक समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा ये जो पावर को इक्वेट किया है मैंने यहाँ पे, ये पावर का इक्वेटिंग समझ में आया है?
जो निकाला है ए बी और सी का वैल्यू, ये तीनों वैल्यू को निकाला है। ए बी सी का वैल्यू कैसे आया ये समझ में आया? यस सर। सर और एक बार बता दीजिए वो। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे जो वैल्यू निकालने के लिए पावर को इक्वेट किए हैं, इक्वेटिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के पावर को इक्वेट किए हैं। अब देखिए दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथमेटिक्स के अनुसार होता है। तो मेरा बेस एम एम इक्वल तो ए पावर ए इक्वल टू जीरो, एक निकल गया वैल्यू। दूसरा एल टू द पावर जीरो, और यहाँ पे देखिए आप इस जगह पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक एल है एल टू द पावर बी, और एक यहाँ भी एल है, इसके पावर में सी आएगा, तो यहाँ पे एल टू द पावर बी प्लस सी आ जाएगा, तो बी प्लस सी इधर एल टू द पावर जीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पे सी बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाले को, यहाँ पे टी के पावर में वन है और यहाँ पे टी के यहाँ पे क्या है माइनस टू है, यहाँ पे माइनस टू है, माइनस टू इंटू यहाँ पे पावर में सी है तो माइनस टू सी हो जाएगा, तो माइनस टू सी इक्वल टू यहाँ पे टी के पावर में वन है तो माइनस टू सी इक्वल टू वन, विच इंप्लाइज अब सी का वैल्यू निकालना है तो सी इक्वल टू माइनस हाफ माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब ये जो सी का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर बी में रखेंगे, यहाँ पे इस जगह पे पुट किया मैंने, देखिए बी प्लस सी इक्वल टू जीरो तो बी इक्वल टू माइनस सी, और यहाँ पे एक माइनस पहले से था, देखिए एक माइनस पहले से था और एक माइनस यहाँ पे आया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सी का वैल्यू हमारे पास वन बाई टू आया। अब जो इक्वेशन नंबर वन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर जो वन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर वन हमारा क्या था, टी इक्वल टू के एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे, तो चलिए एक बार मैं पुट कर लेता हूं, उसके बाद इसको जाएंगे के, ठीक है एम टू द पावर जीरो लिख लिया मैंने, जीरो था तो जीरो लिख लिया, एल टू द पावर बी तो यहाँ पे एल के पावर में वन बाई टू हाफ, बी का वैल्यू चूंकि हम लोग का आया है वन बाई टू तो वन बाई टू लिखा, और जी का वैल्यू सी का वैल्यू आया है माइनस वन बाई टू तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ये जो माइनस हाफ का मतलब होता है किसी के समथिंग टू द पावर माइनस हाफ या फिर हाफ, दैट मीन्स होता है रूट अंडर, रूट अंडर जो भी कुछ हो, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एल। अब गौर कीजिए यहाँ भी पावर हाफ है बट नेगेटिव है, और नेगेटिव दैट मीन्स वन बाय दैट मीन्स ये जी, यानी ये दो मिल के हमारे पास ये आ गया ये वाला। ठीक है, ये और एम टू समथिंग टू द पावर जीरो इक्वल टू वन, अगर याद कीजिए x टू द पावर जीरो रहता था तो हम उसको लिखते थे उसका वैल्यू वन, तो ये हो गया वन, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट में लिखेंगे के, और ये हो जाएगा रूट अंडर एल बाय जी। तो ये है हमारा इसका, ये है टाइम पीरियड t इक्वल टू के इंटू रूट अंडर एल बाय जी। ठीक है, समझ में आई ये, अभी भी किसी को डाउट है? यस सर समझ में आ गया। ठीक है, देखिए ये रिवीजन है, अब मैं चाहूंगा कि यहाँ से कोई कंफ्यूजन ना रहे, पहले ये क्लास जब स्टार्टिंग हुआ था तो हो सके बहुतों को मतलब ये था कि हेजिटेशन था कि पूछेंगे सर क्या बोलेंगे जो भी पूछो, लेकिन अब हम लोग काफी क्लासेस कर चुके हैं, 54-55 क्लासेस हम लोग अभी तक कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, जो भी हो तो डिस्कस करना है, इसलिए आप लोगों के साथ में ज्यादा क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूँ अभी। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, डायमेंशन से ही रिलेटेड है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। लिमिटेशन क्या क्या है इसका, हम लोग देखे कि जो डायमेंशन कॉन्स्टेंट की आया था तो हम लोग उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख पाए थे, हम लोग बोल दिए थे कि इज डायमेंशन लेस, दैट मीन्स क्या कुछ लिमिटेशन है डायमेंशन में। ठीक है, तो उसी लिमिटेशन को हम लोग जानते हैं, देखिए यहां पे द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हमारे अभी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हमारे पास जो के आया था, ऑफ डिफरेंट फिजिकल इक्वेशन
अलग अलग डिफरेंट फिजिकल इक्वेशन जो आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट टर्म का, हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला से उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। हाँ बोलिए धनीराम, कुछ बोल रहे हैं सर? कुछ साउंड आ रहा है पीछे से, अब बंद साउंड अभी ठीक है सर? आ रहा है फिर बंद हो जा रहा है। नहीं अब यहाँ पे तो ठीक ठाक है, इसे तो कुछ नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ कहीं भी इको हो। ठीक है चलिए देखते हैं। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म आएगा इक्वेशन में, इक्वेशन लिखते समय कोई भी कांस्टेंट टर्म के हो, ईटा हो, चाहे जो भी कुछ हो, उसका हम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। ठीक है दूसरा है फिजिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट मींस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं जो ई टू दी पावर के फॉर्म में होता है, जैसे ई टू दी पावर लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे अगर एक्स भी लिखा हुआ भी हो तो हम लोग यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल हो गया, और एक्सपोनेंशियल का हम लोग डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं। तीसरा चीज है कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, जैसे वर्क और टॉर्क। ठीक है दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू द पावर टू एंड टी टू द पावर माइनस टू। अब ये आप देख के ये नहीं बोल पाएंगे कि ये जो डायमेंशन फॉर्मूला हमने लिखा है ये टॉर्क का है या वर्क का है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो हमारे पास ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला से ये नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है वर्क और टॉर्क हम लोग जानते हैं दोनों बोथ आर डिफरेंट, अलग अलग है, लेकिन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला से कि ये वर्क है या टॉर्क है। ठीक है और भी ऐसा है, जैसे कि हम लोग बात करें तो प्रेशर और स्ट्रेन, सॉरी प्रेशर और स्ट्रेस दोनों अलग अलग चीज है, बट दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा तो हम लोग वहां भी नहीं क्लियरिफाई कर पाएंगे ये प्रेशर है या स्ट्रेस है। ठीक है तो ये लिमिटेशन है जहां से हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। अगला है फिजिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एडिक्शन और सब्ट्रैक्शन टू और मोर टर्म। ठीक है अगर इस टाइप का इक्वेशन आ जाए, दैट मींस यहाँ पे देखिए हम लोग डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी में क्या पढ़े थे कि ऑल द टर्म, ये सभी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो अगर गौर किया जाए इस इक्वेशन में आप देखिए ये भी एक टर्म है वन बाई टू हाफ जो है एक वो भी टर्म है फिजिकल क्वांटिटी का। तो अगर ये एड किया हुआ हो या घटाया हुआ हो तो वहां पे हम उसका डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है तो वहां पे उसका हम लोग डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे वो जो प्रिंसिपल है जो जानते हैं कि ऑल द टर्म हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीच वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म का एक कांस्टेंट टर्म है, तो वहां पे हम सबका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। एक्चुअली ये इक्वेशन है ut प्लस हाफ प्लस et स्क्वायर। ठीक है बट ये इक्वेशन है, बट जब हम इसको डायमेंशनली चेक करेंगे तो हमें रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बता देगा कि रिजल्ट में जब चेक करेंगे तो हमको आ जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। ठीक है लेकिन ये हाफ का हाफ ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसका अस्तित्व इक्वेशन में नहीं रहेगा, इसलिए हम कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, हम इसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं जब इस टाइप के फॉर्म में रहेगा। तो ये हाफ वाला फॉर्म या फिर यहाँ पे फाइव हो चाहे टेन हो चाहे हंड्रेड हो या फिर ट्वेंटी हो कुछ भी हो, तो हम इस टाइप के इक्वेशन को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन को यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस टर्म के लिए। ठीक है तो ये था कुछ लिमिटेशन। लिमिटेशन पहला है कॉन्स्टेंट टर्म का हम लोग डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, थर्ड है कि वर्क और कुछ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो हम डायमेंशन फॉर्मूला देख के ये नहीं बता सकते हैं कि यह जो डायमेंशन फॉर्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी का है।
ठीक है, ये वर्क एंड टॉर्क हो गया। दूसरा सेम क्वेश्चन, सेम ऐसा ही प्रॉब्लम आता है जब हम लोग देखते हैं ये प्रेशर और स्ट्रेस को, दोनों फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, प्रेशर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोर्स एंड इंटरनल फोर्स जनरेट पर यूनिट एरिया, इसको भी हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। बट अगर देखा जाए तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है दोनों का, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, जो एक्चुअली डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो फिर वहां से क्लियरिफाई नहीं होगा कि वो प्रेशर है या स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है हम लोग, तो वहां पे दो के बीच में हम लोग डिफरेंस पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और तीसरा है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में जब दो या दो से अधिक टर्म ऐसा हो जो कि कांस्टेंट हो, जिस जो वेरिएबल ना हो कांस्टेंट हो, तो वहां पे उन मतलब वहां पे क्या होगा, जब डायमेंशन लिखेंगे तो एक टर्म ही इलिमिनेट हो जाएगा, वो डायमेंशन जब लिखेंगे तो वहां पे वो, जब से इक्वेशन में देख रहे हैं चार टर्म है, ये डायमेंशन लिखेंगे तो हम थ्री टर्म का ही लिख पाएंगे, इसका डायमेंशन क्योंकि होता ही नहीं है। तो ये था हमारा लिमिटेशन। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है राइट टू लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस का दो लिमिटेशन लिखिए, तो ये वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो याद रखिएगा, इजीली दो या तीन पूछा जाता है, तो अगर आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें या फिर क्लासेस को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, तो आई थिंक कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी आप लोगों को ये वाला लिखने में। ठीक है, और याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन इस पार्ट से श्योर रहता है, तीन नंबर हो, चार नंबर का हो, कभी कभी पांच नंबर का भी आ जाता है यहाँ से, तो श्योर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये चैप्टर डायमेंशन का पार्ट है यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग का टाइम हो गया, फिर नेक्स्ट क्लासेस भी होगी।